नमस्कार, मैं दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मोदी सरकार अब इंफ्रा में निवेश बढ़ाने पर फोकस करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले 5 साल में इंफ्रा पर 102 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। गवर्नमेंट्स विद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज विद डेवलपर्स बैंकर्स विद NBFCs एंड ऑल्सो विद PE प्लेयर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन। So 70 different meetings were held during the course of the 4 months. And for the 100 lakh crores, today we have a compilation of 102 lakh crores worth projects. However, even as we are talking here, I'm happy to say that projects are coming in, and in the next couple of weeks, we will probably reach a 3 lakh crores. साल 2019 के आखिरी कारोबारी दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 304 अंक गिरकर 41,254 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 87 अंक फिसलकर 12,168 अंक पर बंद हुआ। बाजार का पूरा एक्शन बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी दीपांशु भंडारी। बताइए दीपांशु, क्या एक्शन रहा साल के आखिरी दिन? थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली साल के आखिरी ट्रेडिंग दिन पर ये साल अच्छा रहा है भारतीय बाजार के लिए। आज के एक्शन की बात करें तो कोल इंडिया और NTPC दोनों सरकारी कंपनीज में अच्छी गेंस आई। वहीं टेक महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भारी गिरावट थी और रिलायंस में गिरावट की वजह से पूरे बाजार में भी गिरावट देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स यहाँ पर थोड़ा प्रेशर था, थोड़ी मुनाफा वसूली थी। TVS मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटर और आईशर्सो मेनली टू व्हीलर स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। बैंक्स में भी आज प्रेशर आया। बड़े नाम में अगर देखें तो इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक में गिरावट थी। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक जैसे नामों में भी गिरावट देखने को मिली। कुछ मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, चेन्नई पेट्रो, टाइम टेक्नो और ब्लू स्टार जैसे स्टॉक्स में काफी एक्शन देखने को मिला। मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में भी एक्शन था आज। नैटको फार्मा, एरिस लाइफ साइंसेज और अजंता फार्मा जैसे नामों में अच्छा एक्शन देखने को मिला। नया हाई बनाया कुछ स्टॉक्स ने, जुबिलेंट फूड जो काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पर है, गुजरात गैस में भी अच्छी ट्रेंड देखने को मिली, आवास फाइनेंसेस, अदानी ग्रीन और कैमलिन फाइन साइंसेस। गैस स्टॉक्स की जिनकी मैं बात कर रहा था, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गुजरात गैस जिसने नया लाइफ हाई बनाया और साथ ही MGL IGL इनमें भी काफी अच्छा एक्शन आज देखने को मिला। ओके दीपांशु, खैर ये तो रहा आज के बाजार का हाल, लेकिन साल भर शेयर बाजार ने कैसा कारोबार किया और 2020 में ये कैसा रहने वाला है दीपांशु बताएंगे। बताइए दीपांशु, ये बताइए 2019 में कैसा रहा बाजार अब तक? अगर 2019 की बात करें तो ये साल थोड़ा वॉलेटाइल रहा जहाँ तक भारतीय बाजार का सवाल है। हालांकि अगस्त के बाद अच्छी रिकवरी देखने को मिली और सितंबर में टैक्स कटौती के बाद एक अच्छी बढ़त देखने को मिली जहाँ तक मार्केट्स का सवाल है। निफ्टी में 12% से ज़्यादा की बढ़त थी, वहीं सेंसेक्स में भी तकरीबन 15% की बढ़त देखने को मिली, वहीं बैंक निफ्टी में 19% की बढ़त थी इस साल। अगर गेनर्स की बात करें तो सबसे ऊपर था भारतीय एयरटेल जो 60% से ज़्यादा बढ़ा इस साल। वहीं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज से अच्छा सहारा मिला बाजार को। लूजर्स की बात करें तो येस बैंक यहां ये सबसे बड़ा लूजर था। इसकी परेशानी की वजह से 75% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली। गेल भी गिरावट में ही था और साथ ही वेदांता में भी तकरीबन 23-24% की गिरावट थी। ऑटो स्टॉक्स के लिए भी अच्छा साल नहीं रहा और वहां पर हीरो मोटोकॉर्प और M&M जैसे स्टॉक सबसे बड़े लूजर्स थे। ओके दीपांशु, और 2020 में क्या अनुमान है, कैसा रहेगा मार्केट? अगर 2020 की बात करें तो जो फॉरेन ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन है उसमें सबसे ज़्यादा बुलिश रिकमेंडेशन आ रही है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, जो निफ्टी में तकरीबन यहां से भी 1000 पॉइंट की रैली देख रहे हैं और 13200 का उनका टारगेट है अगले 3 से 6 महीने में। वहीं अगर नोमूरा की बात करें तो उनका टारगेट है तकरीबन 12550 के पास। UBS और JP Morgan निफ्टी में ज़्यादा बदलाव नहीं देख रहे हैं अगले 3 से 6 महीने में और उनका टारगेट तकरीबन 12200 से 12300 के आसपास है। सेंसेक्स की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली यहां से 8% की बढ़त का अनुमान लगा रहा है जून 2020 तक, उनका टारगेट है तकरीबन 45,000। वहीं सिटी का मानना है कि सेंसेक्स में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा इन लेवल से, उनका टारगेट है 40,500 का। कुछ इवेंट्स जिन पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरह की NCLT रिकवरीज होती हैं, हमने देखा कि 2019 के एंड में दो बड़ी रिकवरीज हुई, तो आगे जाके 2020 में कैसी रिकवरीज होती हैं और उससे बैंक्स को कितना राइट बैक आता है उस पर नज़र डालनी पड़ेगी। इंफ्रा पर जो सरकार का 100 लाख करोड़ का खर्च का रोड मैप है उस पर ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा मई जून में 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस होंगे, वहाँ पर भी मार्केट की नज़र रहेगी। ऑटो सेक्टर में BS6 रेगुलेशंस 1 अप्रैल से लागू होंगे, वहाँ से ऑटो सेक्टर में काफ़ी बड़ा बदलाव
प्रभाव आने वाला है और 21 IPOs को 18,000 करोड़ से ज्यादा रेज करने की सेबी की मंजूरी है। तो किस तरह की IPOs बाजार में आती हैं, जैसे कि SBI कार्ड्स, UTI, AMC या फिर एक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु इस तमाम जानकारी के लिए और अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। 2019 में सोने ने शानदार प्रदर्शन किया, एक के बाद एक सोने ने कई रिकॉर्ड बना डाले, लेकिन क्या यही प्रदर्शन 2020 में भी देखने को मिलेगा और 2020 के लिए सोने पर दिग्गज ब्रोकर्स क्या लक्ष्य दे रहे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विश्व मोहन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विश्व मोहन, पहला सवाल यही कि 2019 सोने के लिहाज से कैसा रहा, सुनहरा रहा या नहीं? सही कहा कि आपने कि सोने ने 2019 में शानदार रिटर्न दिया है और बेहद ही स्ट्रांग नोट के साथ ये सोने और चांदी के लिए ये साल समाप्त हो रहा है। अगर सोने की बात करें पूरे साल के दौरान तो सोने ने 24% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, तकरीबन 25% अगर आज का भाव अगर आप कैलकुलेट करें। वहीं चांदी ने करीब 21% का रिटर्न पूरे साल के दौरान दिया है। अगर रिकॉर्ड लेवल की बात करें तो सोने ने 4 सितंबर को 39,885 रुपये का रिकॉर्ड बनाया था। वहीं चांदी रिकॉर्ड तो नहीं बना पाई, लेकिन 21% रिटर्न के 4 सितंबर को चांदी ने 51,489 रुपए का लेवल छुआ था। यानी रिकॉर्ड से चांदी तो दूर है, लेकिन सोने और चांदी दोनों ने ही 2019 में सारे एसेट क्लास को आउट परफॉर्म कर दिया। जी ओके, 2019 में सोना चमका, सोना रहा सुनहरा, लेकिन 2020 के लिए क्या संकेत हैं और ब्रोकरेज हाउसेस सोने को लेकर क्या लक्ष्य दे रहे हैं विश्व मोहन? जी गोल्ड के लिए 2020 के लिए भी यही संकेत मिल रहे हैं और जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो फेड का जो डॉबिश स्टांस हो, यानी ब्याज दरें 2020 में भी फेड स्थिर रख सकता है। साथ ही अगर घरेलू बाजार की बात करें तो रुपए में जिस तरह से कमजोरी है उसका फायदा मिल रहा है। फिर आगे चल के शादी की डिमांड आएगी, वहाँ से घरेलू बाजार में फायदा होगा, रूरल डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल कुछ फैक्टर्स है जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, खाड़ी देशों में जिस तरह से तनाव है, उस सब का फायदा सोने को 2020 में भी मिलने वाला है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि हमने कई ब्रोकरेज हाउसेस से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि किस तरह सोने की चाल 2020 में रहेगी। तो उसमें ज्यादातर ब्रोकर्स ने माना कि बड़े टारगेट सोना इस बार भी दिखा सकता है। 20% ब्रोकर्स ने माना कि 44,000 रुपए भी सोना इस बार दिखा सकता है 2020 में। वहीं 60% ब्रोकर्स का मानना था कि 42,000। वहीं 20% ब्रोकर्स ने माना कि 41,000 रुपए का टारगेट सोना 2020 में दिखा सकता है। और इंडिविजुअल कुछ ब्रोकर्स की अगर बात करें तो रेलीगेयर ब्रोकिंग ने 45,000 रुपए तक का भी सोने का टारगेट दिया है। वहीं पैराडाइम कमोडिटी ने 44,000 और आनंद राठी ने 44,000। वहीं ग्लोब कमोडिटीज और मोतीलाल ने 42,000 रुपए का टारगेट दिया, लेकिन SMC, केडिया, एंजल कमोडिटी उन्होंने 42,000 से 41,000 रुपए का टारगेट दिया है। लेकिन दो ब्रोकिंग हाउस इंडिया निवेश और कोटक सिक्योरिटी उन्होंने कंजर्वेटिव टारगेट दिए हैं 40,000 रुपए के। यानी ज्यादातर सभी ब्रोकर्स मानते हैं कि 40,000 से 45,000 रुपए के बीच में सोना 2020 में अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय संकट में फंसी सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया का निजीकरण होगा। एयर इंडिया से सरकार को हर दिन 20 से 26 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसकी जानकारी आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया के निजीकरण के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। एयरलाइंस पर करीब 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। We made an attempt 2 years ago. That attempt proved to be less than successful. We've learned from that experience and it is our endeavor now that we will be issuing an expression of interest in the coming few weeks, hopefully sooner than later, and that the process of privatization will then set in. ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन और भारतीय रियल्टी डेवलपर हीरा नंदानी ग्रुप ने लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग के लिए करार किया है। साझेदारी के तहत पुणे, चेन्नई, नासिक और दुर्गापुर में हीरा नंदानी की जमीन पर इंडस्ट्रियल बेस डेवलप किया जाएगा। इसमें हीरा नंदानी ग्रुप और ब्लैकस्टोन की 50-50% हिस्सेदारी होगी। हमारे संवाददाता दीपक यादव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की हीरा नंदानी ग्रुप के चेयरमैन और MD निरंजन हीरा नंदानी से। हम जो वेयरहाउसेज और इंडस्ट्रियल पार्क करना चाहते हैं और जा रहे हैं, उसमें ये सोफिस्टिकेटेड सेंट्रलाइज
वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स पार्क्स हम बनाने जा रहे हैं और इसके लिए मैं समझता हूं कि एक समय आ गया है और इसलिए हम इसमें जुड़ गए। ब्लैकस्टोन के साथ जो आपकी ये जेवी है इसका टोटल फिगर क्या होगा और किन शहरों में कितने वेयर हाउस बनाने की प्लानिंग है? तीन तो इमीडिएटली स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पहले तो तलेगांव पूना में है, 250 एकड़ की जमीन है। दूसरी बात है हम चेन्नई ओरेगडम में है, वहाँ 110 एकड़ से शुरुआत कर रहे हैं। तीसरी नासिक में है, उस 70 एकड़ है, वो भी कर रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी हमने वेस्ट बंगाल में किया है, नॉर्थ में करना चाहते हैं। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितने का है? लगभग 2500 करोड़ का प्रोग्राम है, 2-2.5 साल के अंदर हम करना चाहते हैं। देश के कई हिस्सों में आपके वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक हब बनेंगे, ऐसे में रोजगार को कैसे देखते हैं, कैसे बढ़ावा मिलेगा? ये बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि मेन मुख्य यही है कि जितने भी हमारे हाउसिंग्स के स्कीम्स हैं, कमर्शियल स्कीम्स हैं, वहाँ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काफ़ी जोर दिया जाए। और ये मेरे अंदाज से लगभग आप देखेंगे, ये 3-4-5 सेंटर्स में देखेंगे तो लगभग मेरे अंदाज से 20,000 लोगों को रोटी रोजी मिलेगी। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत आज रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह अब जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। बिपिन रावत की मौजूदगी में ही उन्होंने आज पदभार संभाला। जनरल नरवणे अभी तक सेना के उप प्रमुख पद का जिम्मा भी संभाल रहे थे। आर्मी चीफ बनते ही वे दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल 13 लाख थल सैनिकों के मुखिया बन गए हैं। बहुत बड़ी होती है तो जरूर ऐसे काम होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अधूरे काम ऐसा होता है कि उसके बारे में कुछ शुरुआत कर दी जाती है और आगे जो ओहदा संभालते हैं, आगे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आते रहेंगे उनके ऊपर भी जिम्मेवारी बनती है कि उस कार्यकाल को आगे ले जाना और उसका समापन करना। न्यूजीलैंड में नए साल की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। आतिशबाजी और रोशनी से न्यूजीलैंड का ऑकलैंड टावर पूरी तरह से जगमगा रहा है। इस दौरान वहां आतिशबाजी के जरिए 2019 को अलविदा कर नए साल का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि नए साल का जश्न सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से शुरू होता है। न्यूजीलैंड में सबसे पहले जश्न का आगाज होने के कारण वो समय भारतीय समय से 7.5 घंटे आगे है, यानी कि वहां पर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो गया है शुरू। और नए साल के स्वागत में मुंबई कर्स को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मुंबई पुलिस और रेलवे ने खास व्यवस्था की है। नए साल का जश्न मनाकर आप अपने घर बिना किसी दिक्कत के पहुंचें, इसके लिए रेलवे और बेस्ट ने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं। क्या है ये अरेंजमेंट्स, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। नए साल के जश्न में कोई कोर कसर न रह जाए और आप जमकर पार्टी कर सकें, इसलिए मुंबई पुलिस 31 दिसंबर की रात आपकी हिफाजत में तैनात रहेगी। मुंबईकर्स 31st night का पूरा मजा ले सकेंगे, इसलिए रेस्टोरेंट्स और पब सुबह 5 बजे तक खोलने की इजाजत भी दी गई है, लेकिन शराब पीकर ड्राइव की तो खैर नहीं होगी। खासकर 31 दिसंबर के लिए ट्रैफिक रूट्स में भी बदलाव किए गए हैं। जूहू, बांद्रा रिक्लेमेशन, माहिम, सिद्धिविनायक, हाजी अली, चर्नी रोड, मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया जाने के रूट्स बदल दिए गए हैं ताकि लोगों को ट्रैफिक समस्या का सामना न करना पड़े। इस साल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बोट पार्टी की इजाजत नहीं है। 40,000 के ज्यादा जो हमारे ऑफिसर्स और कॉन्स्टेबलरी है वो सभी इस बंदोबस्त में सम्मिलित होंगे। पुलिस स्टेशन लेवल पर पे जो अधिकारी कर्मचारी है वो इधर रहेंगे, उसके व्यतिरिक्त उनको रिजर्व में से जो बंदोबस्त दिया जाना है वो भी दिया जा चुका है और वो भी अलग अलग जगहों पे डिप्लॉयड रहेंगे। लोकल ट्रेन पकड़ने के चक्कर में किसी को पार्टी बीच में न छोड़नी पड़े, इसलिए पश्चिम रेलवे ने खास न्यू ईयर स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं जो रात 12 बजे से चलेंगी। इनमें 4 लोकल ट्रेनें चर्च गेट से विरार के लिए चलेंगी, जिनका टाइम होगा रात 1:15 बजे, रात 2 बजे, रात 2:30 बजे और रात 3:25 पर। विरार से चर्च गेट के लिए 4 ट्रेनें रात 12:15 बजे, रात 12:45 पर, रात 1:40 पर और रात 3:05 पर चलेंगी।
सेंट्रल रेलवे भी सीएसएमटी से आखिरी कल्याण स्पेशल रात 1:30 बजे चलाएगी, जबकि हार्बर लाइन पर पनवेल के लिए सीएसएमटी से आखिरी लोकल भी 1:30 बजे चलेगी। ट्रेनों के अलावा बेस्ट ने न्यू ईयर में 20 स्पेशल बसें चलाने का फैसला भी किया है। ये बसें रात 12 बजे के बाद से चलेंगी। ये बसें गोरा स्पेशल, जू स्पेशल, गेटवे स्पेशल नाम से चलेंगी। इनका किराया सामान्य दिनों जैसा ही रहेगा। मुंबई पुलिस, रेलवे और बेस्ट की तैयारियां पूरी हैं ताकि मुंबईकर्स न्यू ईयर का स्वागत पूरी धूमधाम से कर पाएं। ऐसे में मुंबईकर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, कोई ऐसा काम न करें जिससे वो किसी परेशानी में पड़ जाएं। सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। विपक्ष की ओर से देश में मंदी का शोर मचाया जा रहा है। देश की विकास दर भले ही गिर गई हो, लेकिन देश के मंदिरों को मिलने वाली दान की ग्रोथ रेट साल दर साल बढ़ रही है। शिरडी के साई बाबा को भक्तों ने 2019 में कुल 287 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। यहां खास बात यह रही कि भक्त पिछले साल के मुकाबले कम आए, लेकिन चढ़ावे की रकम पिछले साल से बढ़ गई है। साईनाथ तेरे हजारों। हर तरफ नोट ही नोट, कहीं रुपये, कहीं डॉलर, तो कहीं सिक्के। ये नजारा है शिरडी साई मंदिर का, जहां साई बाबा के खजाने में इतना दान आ गया है कि संस्थान वाले उसे गिनते गिनते थक गए हैं। साई के दरबार की माया बहुत निराली है। जो कोई भी शिरडी में साई के दरबार में आता है, साई के चमत्कार से प्रभावित होकर साई के खजाने में कुछ ना कुछ देकर जाता है। लेकिन इस साल में साई बाबा के भक्तों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 2019 में साई बाबा के दरबार में रिकॉर्ड तोड़ 287 करोड़ 6 लाख 85 हजार रुपए दान के तौर पर चढ़ाए गए हैं। इसमें 19 किलो सोना और करीब 392 किलो चांदी भी शामिल है। दान की रकम 2018 की तुलना में 2 करोड़ ज्यादा है। नाताल की छुट्टियां, गए साल को विदाई देना और नए साल का स्वागत करना, इस अवसर पर लाखों साई भक्त शिरडी में आके साई बाबा के समाधि के और मूर्ति के दर्शन ले रहे हैं, उनकी संख्या में बढ़ावा हो रहा है। गए साल 2018 में तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने यहां आके साई बाबा के समाधि के और मूर्ति के दर्शन लिए थे। इस साल ये संख्या जो है वो 1,90,00,000 की हो गई है। हर साई भक्त को बाबा के चमत्कार पर भरोसा है। भक्तों के लिए साई ही संसार है, और यही वजह है कि हर साल यहां दान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात बर्फबारी और ठंड की। शिमला से लेकर श्रीनगर तक ठंड और बर्फबारी से जिंदगी जम गई है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भारी बर्फबारी से रेलवे ट्रैक पर बर्फ जमा हो गई। श्रीनगर की मशहूर डल झील जमी हुई है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी से जिंदगी जम गई। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से बनिहाल रेलवे स्टेशन में बर्फ जम गई है। नजारा देखने में तो खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इस कई इंच मोटी बर्फ ने लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी। स्टेशन से बर्फ हटाई जा रही है। आज सुबह बनिहाल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं श्रीनगर में भी ठंड और बर्फबारी से हालात खराब है। ठंड इस कदर पड़ रही है कि जिंदगी जम गई है। डल झील में पानी जम गया है। झील के किनारे बर्फ की मोटी परत बन गई है। कश्मीर घाटी में जो ठंड का प्रकोप है, उसने करीबन 3 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खासकर श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पारा जो है -6.5 रिकॉर्ड किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दिन होने को आया है, लेकिन अब भी डल झील की जो बाहरी हिस्सा है वो उस पर बर्फ की पूरी परत जमी हुई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पारा माइनस तक गिर गया है। श्रीनगर में तापमान 0 से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। ठंड तो बहुत है, मगर ये ठंड तो बहुत अच्छा है टूरिस्ट के लिए भी। वो एंजॉय करते हैं यहाँ पे, जैसे गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं या सोनमर्ग जाते हैं, और डल लेक में हाउस बोट में जब ठहरते हैं वो तो अलग ही मज़ा लेते हैं। आजकल हम 10:30-11 बजे निकलते और कांगड़ी हमारे पास 7 होते हैं, हमारा बचाव वही है। वहीं लद्दाख के द्रास में भी बर्फबारी से जिंदगी की रफ्तार थमसी गई। पारा माइनस में है।
भारी बर्फबारी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। द्रास घाटी में तापमान -27 डिग्री जबकि लेह में तापमान -20 डिग्री तक पहुंच गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।